नमस्कार, कैसे हो आप सब साथियों। ये धरती रंग बिरंगी है, खूबसूरत है। अगर जमीन पर रहने वाले दो पाए और चौपाए हैं, तो पानी में तैरने वाली तमाम मछलियां और जीव जंतु भी, साथ ही नील गगन में उड़ते चहचहाते पक्षी। जानते हो, इन सब के अपने अपने काम हैं। इसलिए ना तो कछुआ उड़ सकता है और ना ही कौवा तैर सकता है, है ना मजे की बात। तो चलिए हम कुछ मेहनती लोगों से मिलते हैं और देखते हैं कि उनके क्या क्या काम है। जैसे घरों के दरवाजे और खिड़कियां बनाने वाले बढ़ई चाचा, दीपावली के लिए दिए बनाते कुम्हार काका, जूतों की मरम्मत करने वाले मोची मामा, सड़कों की सफाई करने वाले भैया जी, खेतों पर काम करते किसान चाचा, टोकरी में फल रखकर बेचती संतो बुआ, भोजन की तलाश में तैरती सुनहरी मछलियां, दाने की तलाश में दूर दूर उड़ते पक्षी। बच्चों, ऐसे ही बहुत सारे प्राणियों को आपने कुछ न कुछ काम करते देखा ही होगा, है ना? तो आज हम एक छोटी बच्ची सिमरन की एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं। चलो देखते हैं सिमरन अभी क्या कर रही है। मैं तो थक गई पढ़ते पढ़ते। स्कूल जा तो वहाँ पढ़ो, घर आ तो फिर से पढ़ो, अभी भी होमवर्क ही कर रही हूँ। काश कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता। थोड़ा घूम लेती हूँ। काश मैं भी मधुमक्खी होती। तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्ना कीड़ा बनना चाहती हो? मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारा दिन उड़ उड़कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और ओहो, सारा दिन पंख फैलाकर उड़ना, मैं थक जाऊंगी नाना। मैं तो थक गई चलते चलते। अरे इतना लंबा पेड़। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था, आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं। सच, पेड़ भी बहुत मेहनत करते हैं, सारे फल तो हमें खा लेते हैं। लेकिन इन चिड़ियों की तो मौज है। काश भी चिड़िया होती तो कितना अच्छा होता। नाना, ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और बस बस, मैं समझ गई, मेहनत से ही सब जीते हैं। मुझे भी मेहनत करनी चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। चलो अभी पढ़ लेती हूँ।
सोचिए और बताइए, आखिर सिमरन पेड़ के बारे में क्या सोच रही थी और पेड़ वे सिमरन से क्या कहना चाहता था? क्या वे अपने सुंदर शरीर के बारे में बताना चाहता था या फिर रसीले फलों के बारे में बताना चाहता था? सोचते रहिए, आखिर पेड़ क्या कहना चाहता था? अच्छा बताइए, आप लोग दिन में क्या क्या काम करते हैं? हम ही बता देते हैं। जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना और स्कूल जाना। अच्छा मुझे ये तो बताइए जरा कि आपके घर में कौन क्या क्या काम करता है? सुबह की चाय पिताजी, नाश्ता माँ, टिफिन पैक करना, आपको स्कूल पहुंचाना, होमवर्क में हाथ बटाना। अब आप रिक्त स्थानों की पूर्ति खुद कीजिए। अच्छा मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आखिर सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? मुझे तो लगता है कि वे आसमान में पंख पसार कर उड़ना चाहती थी, चहचहाती चिड़ियों से बातें करना चाहती थी, शायद वे फूलों से मीठा शहद चाहती थी। क्या आपको याद है कि सिमरन और मधुमक्खी के बीच क्या बातें हुई थी? जैसा कि सिमरन कहती है, मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है, मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ। अच्छा बच्चों सोचो और लिखो, अगर मधुमक्खी इसके अलावा कुछ और बोलती तो क्या बोलती? मैं तो सुबह सुबह गुनगुनाती हुई स्कूल जाती, मैं अगर मनुष्य होती तो उनके अच्छे अच्छे पकवान खाती, मैं इंसानों के कपड़े पहनकर बहुत खुश होती। सचमुच मधुमक्खी बहुत प्यारी होती है, कितनी मेहनत से थोड़ी थोड़ी मोम से अपना प्यारा सा घर बनाती है, फिर एक एक फूल से थोड़ा थोड़ा शहद इकट्ठा करती है। जाने कितनी मेहनत के बाद वे अपना शहद भरा छत्ता बनाती होगी। क्या आप बता सकते हैं शहद हमारे किस काम आता है? हाँ बिल्कुल सही, दूध को मीठा करने के लिए, खांसी दूर करने के लिए। अच्छा बच्चों ये तो हुई सिमरन और मधुमक्खी की बात, लेकिन क्या आपको याद है सिमरन ने पेड़ बनने के बारे में भी सोचा था? तो आइए कुछ बातें पेड़ों के ऊपर भी कर लेते हैं। जैसे कि पेड़ क्या क्या काम करते हैं मुझे पता है आपको जरूर मालूम होगा। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं, हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं और देते हैं मीठे मीठे फल। अच्छा नन्हे साथियों अब मैं चलती हूँ, उम्मीद करती हूँ आज आपको बहुत मजा आया होगा। आप लोगों के साथ रहकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलती हूँ, फिर मिलूंगी कार्यक्रम की अगली कड़ी में। तब तक के लिए बाय बाय।